दोस्तों एक बार फिर जो आपके एग्जामिनेशन कानपुर यूनिवर्सिटी से कराए जाने वाले थे, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हालांकि कराए जाने वाले थे जनवरी में, 15 जनवरी से, लेकिन अभी वो एग्जामिनेशन, जैसा कि जनवरी बीत गया है, वो एग्जामिनेशन आपके कब से कराए जाएंगे? NAP के माध्यम से जो आपके एग्जामिनेशन हालांकि कराए जाने वाले थे, अब वो एग्जामिनेशन फरवरी में कराए जाएंगे। हालांकि आपको कुछ डेट बताया गया है कि आपको इस डेट से लेकर इस डेट तक आप ऑलरेडी अगर किसी भी प्रकार का आपने कुछ भी प्रयोगात्मक एग्जामिनेशन से जुड़ी कुछ नोटिस या कुछ ऐसा कुछ बनाया है जिसे आप अपने कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी में जमा कर सके, तो उससे जुड़ी ये अपडेट जारी किया गया है और इसके बारे में फुल जानेंगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए अगर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसी के साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा जिससे नई नई वीडियो की जानकारी आप सभी को आसानी से मिलती रहे। एक लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, एक नेक का काम करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया और यहाँ विषय में मेंशन किया गया है NEP 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा के संबंध में यह अधिसूचना जारी किया गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन आपके बहुत पहले भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उसमें संशोधन पर संशोधन, परिवर्तन पर परिवर्तन किया जा रहा है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन फिर एक बार बताया जा रहा है कि अब आपका क्या किया जाएगा, आपके मौखिक परीक्षाएँ कब कराई जाएंगी, आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ वो कब कराई जाएंगी, इसके बारे में आइए फुल डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मेंशन किया गया है, कृपया विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या, ये आपके दिनांक 2 नवंबर 2021 के संदर्भ में यह आपका नोटिस जारी किया गया है। उसमें आपको बताया जा रहा है कि जो संचालित होने वाले हैं पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के जो माह में माह 2022 जनवरी माह में परीक्षा जो आपके कराए जाने वाले थे, जिसके आदेश के अनुसार 15-12 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 15 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त में भी एक नोटिफिकेशन और भी जारी कर दिया गया कि 2020 NEP के माध्यम से, 2020 NEP के माध्यम से आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके ऑनलाइन अंक सबमिट कर दिए जाएंगे, आपको पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बारे में ये भी और क्या मेंशन किया गया, देखिए लिखा है, अतः उपरोक्त के संबंध में आदेश अनुसार अवगत कराना है कि NEP 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर से संपादित कराकर उनके ऑनलाइन अंक एवं NEP के अंतर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा को संपन्न करा के ऑनलाइन अंक दिनांक 5 फरवरी से लेकर आपको 15 फरवरी तक सबमिट कराना सुनिश्चित कर ले। कहने का दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके एग्जामिनेशन है आपके 15 जनवरी से कराए जाने वाले थे, ये प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपके 15 जनवरी से कराए जाने वाले थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि आपके अपने कॉलेज से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं उस कॉलेज के स्टूडेंट का आपके कक्षा अध्यापक या प्रधानाध्यापक से एक विचार विमर्श होगी और उसका आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएं का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद आपको ऑनलाइन अंक आपके टीचर, आपके प्रधानाध्यापक वहाँ से सबमिट करेंगे आपके ऑनलाइन पोर्टल पर 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, या मान लीजिए कि आपके 5 फरवरी से 15 फरवरी तक या 5 फरवरी से 10 फरवरी तक आपके एग्जामिनेशन होंगे प्रैक्टिकल और मौखिक। तो ये रहे लेटेस्ट अपडेट। इस प्रकार से कोई भी अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।